जी तो चलिए अब चलते हैं आपका क्लास 10 का एक्सरसाइज 7.1 का निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों देखिए क्वेश्चन बोला है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5-2, 6-4 और 7-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज है। दोस्तों सबसे पहले इसमें बोला है कि समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है कि इसका दो भुजा बराबर होता है लेकिन तीसरी भुजा क्या होता है बराबर नहीं होता, क्योंकि सम मतलब बराबर और द्वि मतलब दो और बाहु मतलब भुजा, जिसकी दो भुजा बराबर हो उसको क्या बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो दोस्तों इसका हम नाम लिख देंगे ई और यहाँ पर लिखेंगे बी और यहाँ पर सी। दोस्तों देखिए यहाँ पर समझ में नहीं आएगा तो हम यहाँ पर बता रहे हैं कि समद्विबाहु, देखिए सम मतलब क्या होता है तो सम मतलब होता है समान और द्वि मतलब होता है दो और बाहु मतलब क्या होता है भुजा, मतलब कि जिसकी दो भुजा समान हो या दो भुजा बराबर हो उसे क्या कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए ये 4 नंबर क्वेश्चन का ये यहाँ पर लिखेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में, देखिए ए बी सी में क्या है बिंदु ए का निर्देशांक दिया है, देखिए कितना तो आपका ए का निर्देशांक दे दिया 5-2 और बी का निर्देशांक कितना दे दिया तो 6-4 और सी का निर्देशांक दे दिया तो 7-2। दोस्तों हम यहां पर भी लिखेंगे कि 7-2, 6-4 और 5-2। देखिए सबसे पहले हम इसमें अब क्या करेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज के मतलब देखिए दोस्तों यहां पर क्या होगा कि यहां पर एक हमारे यहां पर फैक्ट बनेगा कि एबी बराबर क्या होगा एसी, एबी बराबर क्या होगा एसी होगा और नहीं तो एबी बराबर बीसी होगा, मतलब दो भुजा इसके तो बराबर चाहिए। तो देखिए सबसे पहले क्या निकालेंगे हम एबी के बीच की दूरी, उसके बाद बीसी के बीच की दूरी, उसके बाद एसी के बीच की दूरी निकालेंगे। देखिए अब हम लिखेंगे यहां पर कि रेखा एबी के बीच की दूरी, तो देखिए एबी के बीच की दूरी सूत्र नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि सूत्र हमको याद है कि x2-x1 और +y2-y1 आप लोग को भी याद है। देखिए x2 का मान यानी कि इसके इसके बीच के लेकर चलेंगे तो x2 का मान हो जाएगा 4-6 तो x1 का मान हो जाएगा कितना 5, यानी कि देखिए दोस्तों तो 6-5 का स्क्वायर और प्लस में 4-2 का स्क्वायर, देखिए तो 4 और 1 माइनस ये है और 1 माइनस वो है कि --+2 का स्क्वायर। तो देखिए 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा तो 1 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों तो 1 होगा और प्लस में 4 × 2 = 6 का स्क्वायर कितना होगा तो 36 होगा, इसका मतलब जब हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा आपका √37 आ जाएगा। अब देखिए एबी का तो निकल गया, अब हम एसी का निकालेंगे। तो अब देखिए अब हम क्या करेंगे कि रेखा एसी के बीच की दूरी निकालेंगे। देखिए एसी के जब बीच की हम दूरी निकालेंगे दोस्तों तो इसमें क्या होगा कि x1 का मान हो जाएगा 7, x2 का मान हो जाएगा 7 और x1 का मान हो जाएगा कितना तो 5, यानी कि 7-5 का होल स्क्वायर और प्लस में -2 और -2, देखिए तो -2 और 1 -2 + 2 का स्क्वायर। देखिए 7 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और प्लस में से -2 + दीजिए तो 0 हो गया, इसका मतलब कि इतना आ गया आपका यहाँ पर 2 आ जाएगा। उसके बाद देखिए अब हम निकालेंगे बीसी के दूरी, तो रेखा बीसी के बीच की दूरी, तो देखिए बीसी का दूरी निकालेंगे तो क्या होगा 7-6 क्योंकि x1 का मान हो x2 का मान हो जाएगा 7 और x1 का मान हो जाएगा 6,
तो 7 माइनस 6 का स्क्वायर और माइनस 2 और माइनस 4 का स्क्वायर, तो प्लस माइनस 2 और माइनस 4 का स्क्वायर। दोस्तों देखिए 7 माइनस 6 का मतलब कि 1 का स्क्वायर 1, और माइनस 2 और माइनस 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, माइनस 6 होगा, और माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। तो देखिए इसका भी आ गया रूट अंडर 37। इसका मतलब देखिए अब हम क्या किए कि यहाँ पर ही ए बी बराबर बी सी हो रहा है, ए बी बराबर क्या हो रहा है बी सी। इसका मतलब देखिए अब हम क्या करेंगे कि ई वाला भुजा को दोनों को हम बराबर करेंगे और इसका बराबर नहीं करेंगे। इसका मतलब हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि ए बी बराबर क्या बोलेंगे बी सी, ए बी बराबर बी सी। यहाँ पर क्या होगा कि ए बी सी एक सम द्वि बाहु त्रिभुज है, क्योंकि ए बी बराबर क्या हुआ बी सी और नॉट इक्वल टू क्या हो गया आपका ए सी। तो यही आपका क्वेश्चन नंबर 4 का क्या रहा आंसर रहा। तो अब देखिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 है कि किसी कक्षा में चार मित्र बिंदु ए बी सी डी पर बैठे हैं। देखिए दोस्तों यही हमारा एक कक्षा है तो ए बी सी और डी यहां पर ये मित्र बैठे हैं और इसका निर्देशांक दिया है। देखिए कितना तो इसका निर्देशांक दिया है तो 4 मतलब ए का निर्देशांक देखिए कितना दिया है तो ए का निर्देशांक दिया है आपका 4 और 3। तो इसका दिया है 3 और इसका दिया है 4। देखिए ए का निर्देशांक है 3, 4 और बी का निर्देशांक है देखिए तो 6 और 1। तो 6, 1 और सी का निर्देशांक है आपका कि 9 और 4। तो 9 और 4 और डी का निर्देशांक देखिए कितना हो रहा है तो आपका डी 6 और 1। 6 और 1 डी का निर्देशांक होगा और सी का निर्देशांक हो गया आपका 9, 4 और बी का निर्देशांक देखिए दोस्तों तो 6 और 7 है। तो बी का निर्देशांक हो गया 6 और 7 हो गया। और देखिए अब क्या हो गया इसमें कि पहले देखिए इसमें क्या कर बोला है क्वेश्चन कि चंपा और चमेली एक कक्षा के अंदर आती है मतलब एक वर्ग है और उस वर्ग के शीर्ष पर 4 है स्टूडेंट बैठे हैं ए बी और सी पर। तो बोला है कि चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है। तो चमेली इससे सहमत नहीं है तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि कौन सही है। दोस्तों इसमें वर्ग है तो वर्ग का मतलब क्या होगा कि इसके बराबर ही होगा इसके बराबर ही होगा मतलब चारों भुजा क्या होता है बराबर होता है और प्लस में इसका जो विकर्ण भी होता है दोस्तों ये भी क्या होता है तो बराबर होता है ये आपको मालूम होगा। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे हम कि थोड़ा क्वेश्चन तो ये लॉन्ग होगा क्वेश्चन ये लॉन्ग हो जाए आपका। यहाँ पे लिखेंगे कि वर्ग ए बी सी डी में ए का निर्देशांक 3, 4 और बी का निर्देशांक हो जाएगा 6, 7 और सी का निर्देशांक होगा 9, 4 और डी का निर्देशांक हो जाएगा 6 और 1। दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे कि पहले हम चारों भुजा को चेक करेंगे चारों भुजा हमारा बराबर है कि नहीं है उसके बाद हम विकर्ण को चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे ए बी बराबर ए बी का निकालेंगे दूरी। तो देखिए ए बी के बीच की दूरी देखिए ए बी के बीच की दूरी दोस्तों निकालेंगे हम तो सूत्र नहीं लिखेंगे। देखिए यही हमारा ए है ये बी है तो एक देखिए x1 का मान हो गया 6 और x2 का मान हो गया 3
यानी कि देखिए यहाँ पर x2 का मान हो गया 6 और x1 का मान हो गया 3, इसका मतलब कि 6 माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस में 7 माइनस 4 का स्क्वायर। तो दोस्तों देखिए हम यहाँ पर देखते हैं कि 6 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 9, और 7 में से 9 जाएगा, 7 में से 4 जाएगा तो कितना होगा 3, तो 3 का भी स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो जब दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 18 को जब यहाँ पर हम तोड़ेंगे कितना 9 दूनी का 18 मतलब 3√2 आ जाएगा आपका। उसके बाद देखिए अब हम निकालेंगे बीसी के बीच की दूरी। देखिए बीसी के बीच की दूरी दोस्तों जब हम निकालेंगे तो देखिए ये हो जाएगा आपका x2 और ये हो जाएगा x1 यानी कि 9 - 6 का होल स्क्वायर और प्लस में देखिए 4 - 7 का होल स्क्वायर, तो 4 - 7 का होल स्क्वायर। और देखिए इसमें भी 9 - 6 हो जाएगा, 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और 4 - 7 घटेगा तो -3 बचेगा। तो अभी बताएं हम कि माइनस हो या प्लस हो, हमारा वर्ग जब निकालते हैं कि इसमें कोई भी उसका रिजल्ट में वैल्यू नहीं होता है, तो -3 का भी स्क्वायर कितना होगा 9 ही होगा, इसका मतलब इसका भी आ जाएगा 18 और 18 के लिए इसका भी लिखेंगे हम 3√2। और देखिए अब हम चलते हैं सीडी के बीच में। तो देखिए दोस्तों सीडी का दूरी होगा कि रूट अंदर, अब देखिए इसमें भी बता रहे हैं कि ये हो जाएगा आपका x2 और ये हो जाएगा x1, इसका मतलब कि देखिए दोस्तों कि 6 - 9 का होल स्क्वायर और 1 - 4 का होल स्क्वायर। देखिए दोस्तों 6 - 9 हो जाएगा तो -3, तो -3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और 1 - 4 घटेगा तो -3 का स्क्वायर यानी कि 9, तो 9 और 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा 18, इसका मतलब इसका भी कितना हो जाएगा 3√2 ही होगा। उसके बाद और देखिए अब हम निकालेंगे एक भुजा में बच गया है एडी का दूरी। तो देखिए एडी के जब बीच की दूरी हम निकालेंगे दोस्तों, तो एडी के बीच की दूरी निकालने के लिए हम लोग देखिए क्या करेंगे यहाँ पर कि देखिए एडी का मान यानी कि देखिए अब इसमें क्या होगा, एडी जब निकालेंगे तो 6 - 3 का स्क्वायर और 1 - 4 का स्क्वायर, तो रूट अंडर 6 - 3 का स्क्वायर और 1 - 4 का स्क्वायर। दोस्तों 6 - 3 घटेगा तो 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर होगा 9 और 1 - 4 घटेगा तो -3 बचेगा और -3 का स्क्वायर 9, यानी कि देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा तो रूट अंडर 18 यानी कि इसका भी तोड़ेंगे तो आ जाएगा 3√2। तो दोस्तों यहाँ पर तो हम ये कंफर्म हो गए कि हमारा जो चारों भुजा ये तो बराबर है, लेकिन दोस्तों अभी हमको विकर्ण को क्या करना है देखना है। तो अब देखिए अब हम लिखेंगे कि अब विकर्ण किसको निकालेंगे, तो देखिए पहले हम एसी निकाल रहे हैं, तो एसी के बीच की दूरी, तो देखिए इसका भी हम निकालते हैं, इसका हम मान लेंगे x2, इसका मान लेंगे x1 यानी कि 9 - 3 का स्क्वायर और 4 - 4 का स्क्वायर। तो देखिए 9 - 9 3 मतलब 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 और यहां पर हो जाएगा 0, तो देखिए दोस्तों 36 का कितना होता है तो यहां पर हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। अब देखिए अब हम निकालेंगे बीडी के बीच की दूरी, यानी कि ये भी क्या है विकर्ण ही है, तो बीडी के बीच की दूरी निकालेंगे दोस्तों, तो देखिए इसको हम मान लेंगे x2 और इसको मान लेंगे हम x1, तो 6 - 6 का स्क्वायर और 7 - 1 का स्क्वायर। तो देखिए 7 - 1 का स्क्वायर का मतलब कितना हुआ 6, यानी कि देखिए यहाँ पर तो 0 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपका 6। इसका मतलब देखिए दोस्तों अब क्या होगा कि इसमें आपका भुजा भी बराबर है और विकर्ण भी बराबर है, तो ये क्या होगा इसमें आपका ये क्या होगा, ये तो वर्ग होगा। तो और देखिए कौन सा बोली थी इसमें, आप क्वेश्चन को थोड़ा सा हम रीड करते हैं। देखिए तो क्वेश्चन को जब हम रीड करेंगे तो ये क्वेश्चन बोला था आपको कि चांपा बोली थी कि ये क्या एक वर्ग है, तो इसमें से चमेली सहमत नहीं थी, इसका मतलब चांपा क्या है सही है। तो यहां पर लिखेंगे कि चांपा का कथन कथन सही है। देखिए आप लोग ये कहीं बार में इस बोर्ड पर यहाँ पर सब सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए, तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी देखिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका इस चैप्टर में अब बच गया आपका इस चैप्टर में आपका बच जाएगा निर्देशांक ज्यामिति में 7.1 चैप्टर में, तो उसको हम क्या करेंगे आपका नेक्स्ट वीडियो में
क्वेश्चन नंबर 10 तक है, इसमें चार क्वेश्चन बच गया, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, इसलिए आप लोग इसको देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।